Now write a C function that will calculate area of circle. As we know, what is the formula of area of circle? Area is equivalent to, area is equivalent to pi r square. लेकिन अगर सेम टर्म सी लैंग्वेज के फॉर्म में राइट डाउन करेंगे, राइट कैसे करोगे? a इक्वल्स टू पाई, पाई के प्लेस पर यूज करेंगे 3.14 मल्टीप्लाई बाय r स्क्वायर. r स्क्वायर मींस या तो आप स्क्वायर फंक्शन कॉल कर सकते हो लाइक दैट, ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है स्क्वायर, सप्लाई क्या कर सकते हो इस केस में r. अदर वे क्या, सिंपली स्क्वायर के प्लेस पर राइट डाउन करेंगे r मल्टीप्लाई बाय r, r मल्टीप्लाई बाय r लाइक दैट. क्लियर? इन दैट केस हाउ मेनी वेरिएबल्स आर रिक्वायर्ड इनपुट एरिया कैलकुलेट करने के लिए? इनपुट्स में क्या रिक्वायर्ड होगा? पाई, पाई कॉन्स्टेंट वैल्यू, इसलिए इसको डायरेक्टली राइट डाउन करना पॉसिबल. स्पेशली इनपुट्स में क्या रिक्वायर्ड है? आर. दैट्स वाई इन दैट केस वी आर यूजिंग फंक्शन नेम एज एरिया. देन इनपुट्स में क्या सप्लाई करेंगे? ओनली रेडियस. या रिजल्ट डेसिमल फॉर्मेट में आने के चांसेस, लिए इनपुट्स किस फॉर्म में एक्सेप्ट करेंगे? एज अ डेसिमल फ्लोट और डबल टाइप्स ऑफ वैल्यूज. सेम है रिटर्न भी, क्या मीन्स रिजल्ट डबल के फॉर्मेट में आएगा, इसलिए फंक्शन का रिटर्न टाइप भी यूज करेंगे एज अ डबल. वी आर यूजिंग वैल्यू एज डबल टाइप और यू कैन टेक एज अ फ्लोट टाइप डबल आर. आर स्टैंड फॉर रेडियस. देन रिटर्न टाइप भी क्या यूज करेंगे इस केस में? ऑल्सो डबल. फाइनली डायरेक्टली इस केस में रिटर्न करा हुआ है रिटर्न पाई मीन्स 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय आर. मीन्स अगर रिक्वायर्ड प्लेस पर कहीं भी आप इस फंक्शन को कॉल करो, देन किसी भी रेडियस के लिए एरिया कैलकुलेट करना पॉसिबल है.